नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस सच। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के कम्युनिटी सेंटर में समाज सेवी संस्था लाइफ ट्री फाउंडेशन की 5वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस आयोजन में विधायक राकेश दौलताबाद की माता जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शिक्षा के क्षेत्र में संस्था के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर संस्था के फाउंडर क्रिस्टोफर जोसेफ ने मंच के माध्यम से संस्था के 5 साल के सफर को बहुत ही सुंदर ढंग से वहां उपस्थित जनों के समक्ष प्रस्तुत किया। वही कार्यक्रम के हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति लाइफ ट्री फाउंडेशन की मेहनत की इस गाथा को बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा था। इस दौरान लाइफ ट्री फाउंडेशन की सेवाओं से शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के द्वारा आकाश मंडल नृत्य पेश किया गया, जिसे देखकर यहां मौजूद सभी लोगों ने करतल ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर संस्था की संचालिका श्वेता मसीह ने कार्यक्रम में पहुंचे रॉबिन एडविन, जैकब चेरियन समेत सभी ट्रस्टी, सीएसआर पार्टनर एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं फाउंडर क्रिस्टोफर ने स्नेहलता गुप्ता समेत संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं सहयोगी लोगों को सम्मानित भी किया। ये लाइफ ट्री फाउंडेशन के 5वें साल एनुअल फंक्शन पर मैं शामिल हुई हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से निर्माण किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और जो भी एक्टिविटी हैं वो भी सभी मैंने देखी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि बच्चे शिक्षकों ने इन पर पूरी मेहनत की हुई है बच्चों पर, और बच्चे का निर्माण जो है स्कूल से होता है, घर से होता है, तो स्कूल में यहाँ पर मैंने देखा पूरा प्रयास किया गया है बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने में। मैं अब यही कहना चाहूँगी कि सभी अपने बच्चों की लाइफ में अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि बच्चे ही हमारी असली धरोहर है, हमारी दौलत सबसे बड़ी बच्चे ही हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो जैसा हम इनको संस्कार डालेंगे, शिक्षा में इनको जो है ज्ञान देंगे, वो सारा जो है इनकी लाइफ टाइम में काम आएगा, हमारे देश की उन्नति में भी काम आएगा, हमारे देश की प्रगति में भी काम आएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। 2018 में हमने स्थापना की थी, उसके बाद मुझे याद है कि हम बहुत जगह जाते थे स्कूल की बिल्डिंग ढूंढने के लिए। कम से कम 20-25 जगह पे स्कूल की बिल्डिंग को ढूंढा, लोगों ने जगह नहीं मिली हमको, लेकिन एक जगह मिली पालम विहार पे, वहाँ पे शुरू किया। लेकिन अगर मैं 5 साल के सफ़र को देखूं तो 5 साल में 5 लाख लोगों तक हम सेवा को पहुंचा चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की सेवा करने में, बहुत से अंधे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले 5 साल में 5 लाख लोगों की सेवा करना, मैं इस चीज़ को अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम सेवा कर पाए। आगे लक्ष्य हमारा है कि हम झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बिहार और इस प्रकार के ऐसे एक स्टेट्स जहाँ पर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। एक्चुअली राकेश दौलताबाद जी के बारे में हमने पिछले 7-8 साल से पर्सनली, मैंने 8-9 साल पहले उनके बारे में जाना, उनकी जो प्रयास है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उसको मैंने जाना जब मैं न्यू पालम विहार का निवासी था, और तब से मेरी इच्छा थी कि एक दिन हम उनके साथ मिलकर काम करें, और आज वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी माता जी है तो हम धन्य हैं उनको यहाँ पर पाकर, और बहुत खुश हैं कि वो हमारे। ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, खासकर जो 5 साल पहले सपना देखा था, बहुत सारे बच्चे थे और उनमें से मुझे पता है हम लोगों ने बहुत ही कम लोगों को, क्योंकि हमने पूरी इंडिया को सर्व करने के लिए सोचा था, अभी हम लोगों ने सिर्फ 5 लाख तक ही पहुँचे हैं, बट हमारा सपना और बहुत बड़ा है और पूरे दुनिया के, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको सर्व करने का है हमारा सपना। ये संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप रहें, जो भी आप लोगों के आसपास रहें, उनकी सेवा करिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, बस मैं यही मैसेज कहना चाहूँगी। तो आज हम लोगों ने अपना पहला एनुअल डे मनाया और 5वीं वर्षगांठ मनाई। आज के दिन में हमने राकेश दौलताबाद जी को बुलाया था, उनकी मम्मी आई, जो कि और भी बहुत हमारे लिए प्रेशियस था, और रॉबिन एडविन जी आए, जैकब चेरियन जी आए, हमारे फाउंडर रेवरेंड क्रिस्टोफर जोसेफ, उनकी वाइफ सपना जोसेफ, हमारे ट्रस्टीज, हमारे सीएसआर पार्टनर जैसे कि जीपिया, केपीएमजी को भी ज्वाइन करना था पर वो कर नहीं पाए, कारगिल, उसके बाद आलियांस पार्टनर्स, एक्सएक्सएल, मर्सर, बहुत सारे लोग यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम बहुत खुश हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरस सच।